फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का चैप्टर नाम है भाई लोकतंत्र की उपलब्धियां, और जो कि हमारा ये चैप्टर्स नंबर 4 है पॉलिटी का, क्लास 10 का। तो हम लोग इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी के सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं। बट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई जाती है? तो देखना है भाई कौन सा हो जाएगा। राजनीतिक असमानताओं समाप्त करने पर गलत है भाई ये, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त करना समझिए, बहुमत समूह अल्प समूह ये भी गया। तो अगला जो प्रश्न है ना, ये जो डी नंबर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी है जो क्या है, करेक्ट आंसर है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने पर काम करना होता है। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुरूपी नहीं है? कानून की असमानता भाई सभी को है, ठीक है। स्वतंत्रता का निरपेक्ष चुनाव ये भी है भाई, स्वतंत्र भी है हम लोग, निष्पक्ष चुनाव भी हो रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। उत्तराधिकारीय शासन व्यवस्था भी, बहुसंख्यकों का शासन ये गलत बात है भाई। अगर ये हो गया बहुसंख्यक का शासक तो एक दूसरे पर क्या होगा ना भाई, सांप्रदायिकता दंगे हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। जैसे कि देखना हो श्रीलंका में जो हुआ ना, सिली भाषा को प्रायिकता दे दिया गया, तमिल को कुछ ध्यान ही नहीं गया। तो 2009 तक वहाँ का क्या हुआ, गृह युद्ध चला ना, कुछ इसी प्रकार को भारत में हो जाएगा। देखिएगा बहुसंख्यकों का शासक, यानी अगर हम मान लेते हैं कि भारत देश में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो अगर हिंदुत्वों का अगर शासन आ जाएगा भारत में, तो देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, दंगे फसाद होना, और हिंदुत्व अपने के लिए ही फैसला लेंगे और किसी के धर्म के लिए नहीं लेंगे, तो इसमें क्या होगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें मुसलमानों की भी संख्या काफ़ी अधिक है, अधिक तो नहीं कह सकते बट है, ठीक है ना, ये जान लेना, ठीक है। अगला देखो, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और ये हमारी ओर से प्रश्न रहता है, दो गो आपके बुक के अनुसार प्रश्न था, अभी हमारे अनुसार प्रश्न है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो एक्स्ट्रा प्रश्न ऑब्जेक्टिव से, देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो भाई अहम सी बात है, चुनाव आयोग की होगी, प्रधानमंत्री चुनाव कराएगा या राष्ट्रपति या सांसद, नहीं भाई चुनाव आयोग कराएंगे निष्पक्ष चुनाव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 4 जून को, यानी क्या भाई 4 जून को क्या होने वाला है, तो 4 जून का एक स्पेशल आपको वीडियो आने वाला है, किस चीज़ पर टॉपिक रहा है भाई, तो जो पार्टियां जीतेगी और जो पार्टियां हारेगी उससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखना उस वीडियो को। और रिजल्ट के बाद ही ये वीडियो बनेगा, यानी 4 जून को आएगा रिजल्ट, तो आपको 5 जून या 6 जून को एक वीडियो प्रोवाइड कंप्लीट कराया जाएगा डिस्कस के साथ, और काफ़ी अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि क्या होती है भाई, लोकतंत्र की अस्तित्व, यानी राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूती जनमत, मतलब मजबूत होना चाहिए, जनता का मत होना चाहिए, जनमत का मतलब होता है जनता का मत। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है? जनता के प्रति का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी फैसला लेगा तो जनता उससे वो सवाल पूछ सकती है, वो जानकारी ले सकती है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना भाई, RTI है, तो क्या होती है, सरकार के उत्तरदायित्व है। तो इसमें लोकतांत्रिक जब भी होगा तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होगा, जैसे कि 3 ऑप्शन देख लो क्या बोल रहा है, तानाशाही में तुम बोलोगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तानाशाही का मतलब होता है कि तुम उससे ऊंची आवाज़ में भी बात करोगे या सवाल भी पूछोगे तो तुमको टपका दिया जाएगा। राजशाही में क्या होगा, सिर्फ राजा का शासन चलेगा और किसी का नहीं, राजा सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचेगा और जनता को भुखमरी के हालात में भी छोड़ सकता है, जैसे कि फ्रांस में हुआ 1789 फ्रांसीसी क्रांति, लुई सोलामा क्या था भाई कि अपना सुनता था, अपना फैसला लेता था और जनता के कुछ करता ही नहीं था। गैर लोकतांत्रिक में क्या होगा भाई, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें गैर लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र रहेंगे बट आपको कोई जानकारी नहीं गएगा, मतलब ये जनता का सुनने वाला नहीं है, बट ये जान लो डायरेक्ट। तो यानी राइट आंसर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही ऐसी व्यवस्था है जिससे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का सही अर्थ है, यानी देखना है कौन सा है भाई,
ये तो एक उत्तरद्वैत शासन व्यवस्था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है भाई, डी है। अगला प्रश्न, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक किसी न किसी रूप से विद्यमान, 100 से अधिक देश होंगे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कन्फर्म है। और एक और प्रश्न पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, और ये प्रश्न तुम भाई 100% कन्फर्म रखना कि तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तो भारत इज द राइट आंसर होगा, भारत मार के आना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितनों वर्ष का है, तो 60 वर्षों का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायित्व एवं वैध है, तो लोकतांत्रिक में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था चुनाव नियमित रूप से होता है, तो चुनाव कहाँ हो जाएगा भाई, 5 साल पर होता है ना चुनाव नियमित रूप से, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही होगा। और किसी किसी में देश में देखाने का एक चुनाव होता है, जैसे कि चाइना में हो गया, चाइना में नियमित चुनाव भी होता है, तो क्या चाइना को लोकतांत्रिक देश कहेंगे, कहना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर चुनाव होते हैं नियमित रूप से, इसलिए कहेंगे। और एक और देश है नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं नियमित रूप से, बट वो लोग और सभी लोग बोलते हैं कि वो ताना शाह है, बट ऐसा नहीं है, अगर हम लोग उसको कहें तो चुनाव की कैटेगरी में आता है। देखिएगा सभी देश, मतलब चाइना क्या है और नॉर्थ कोरिया क्या है, ये दुनिया को दिखाते हैं कि चुनाव हमारे यहाँ होता है और एक ही हमेशा एक ही पार्टी जीतता है भाई, ठीक है ना, कन्फर्म बात है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, 11 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सी कथन सही है, तो तुम्हारा राइट आंसर, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब मना करता है, ठीक है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है भारत देश में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या है जातिवाद, भाषावाद, संप्रावाद, यानी सब है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासक, हम लोगों ने पहले भी इस पर बात किया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में संरचना में कौन सा कथन सही है, निर्णय लेने में देर होता है, सही बात है, तो परंतु सभी निर्णय लेने में संभावनाएं हैं, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, सामूहिक सहमति। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक कहलाता है, तो क्या लोकतंत्र कहलाता है गर्व से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र नागरिकों को देता है, तो गरिमा देता है या समान अवसर देता है, एक ही होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा तथ्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुरूप नहीं है, तो कानून के समक्ष असमानता, मतलब तो समानता ना भैया, ये सभी को एक समान ही देखा जाता है, लोकतंत्र करता है भिन्न भिन्न माओं में, तो सम्मान्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का है तो आस्था है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लोकतंत्र के निर्णय लिया जाता है तो विधायिके एवं स्वीकृत में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो आर्थिक खुशहाली का, यानी राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है तो विकास और उन्नति की ओर, लोकतंत्र में सफलता निर्भर करता है तो नागरिकों के विवेकपूर्ण स्वाभाविकता पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासक सही गुण नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण है तो नागरिकों का गरिमा में वृद्धि, यानी राइट आंसर डी है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा किया था, तो प्रस्तावना में यह घोषणा किया गया है। भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, या प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, जैसे कि कहने का मतलब है ना, तो अमेरिका जैसे देशों में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, डायरेक्ट वहाँ पर शासन को चुना जाता है, बट भारत में ऐसा नहीं, यहाँ अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, ठीक है ना, हम लोग सांसद को चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली बार राज्य पुनर्आयोग का गठन 1956 में हुआ था भाई, सबको पता होना चाहिए। लोकतंत्र व्यवस्था में केंद्र बिंदु पर होता है तो जनता का होता है। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 100 से अधिक में। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन कहा जाता है, तो जनता के अभिहित, यानी राइट आंसर डी है। लोकतांत्रिक देशों में फैसला एवं निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो जनप्रतिनिधियों द्वारा, यानी
जन प्रतिनिधियों क्या हो जाएगा, मतलब जनता जो है चुने गए प्रतिनिधि फैसला लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो निर्णय में देरी परंतु सर्वोच्च फैसला, यानी निर्णय लेने में देरी होगा लेकिन उच्चतम फैसला लिया जाता है, सही फैसला। एक उत्तरदायी एवं वैध शासक है तो लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र है एक सफलता लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत, बहुमत रहेगा तभी सरकार बनेगी। 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ है, ठीक है 2009 में, और इसके 5 साल बाद यानी 2014 वाला, 2014 ठीक है 2014 वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 16वीं हो जाएगा, और 2019 वाला क्या हो जाएगा 18वां हो जाएगा, और 2024 जो कि अभी वाला है तो यानी 19वीं लोकसभा चुनाव है भारत में अभी 2024 वाला, पूछ देगा इसलिए याद कर लेना। लोकतंत्र की उपलब्धता की सबसे बड़ा अधिक सहायक है तो विकास। अगला प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसला लेने में विलंब होता है, यानी तो विलंबित होता है, तानाशाही शासन व्यवस्था में होता है, राइट आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। तो हमारा एक चैप्टर और बचा हुआ है पॉलिटी का, उसके बाद हम लोग ये भी हम लोग खत्म कर देंगे। इसका प्लेलिस्ट तो नहीं बना है बट इसका वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइडिंग है, तो वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर तुम इसका PDF लेना चाहोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाओ और फॉलो कर देना, ठीक है, और वहाँ से तुमको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर तुम ज्योग्राफी का, हिंदी का, साइंस का चैप्टर्स का प्लेलिस्ट नीचे है तो ज़रूर एक बार चेकआउट करना, और क्योंकि हम लोगों ने हिंदी ख़त्म कर दिए हैं, साइंस भी ख़त्म ही कर चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर एक बार चेकआउट करके सीन ज़रूर करना। फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।